नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रायोगिक परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी जो हैं वो वंचित रह जाते हैं परीक्षा से, और उनकी जो उनके महाविद्यालय में जो परीक्षा की दिनांक है उसके दिनांक के अंदर वो क्या है, एब्सेंट लग जाती है। तो उनके पास क्या विकल्प बचता है कि वो इस साल को अपने वर्ष को ख़राब नहीं होने दें। अर्थात वैसे देखा जाए तो BA प्रथम वर्ष से और द्वितीय वर्ष के अंदर अगर विद्यार्थी की एब्सेंट लगती है तो वो थर्ड ईयर के अंदर अपनी परीक्षा में उपस्थित होकर अगले साल नेक्स्ट ईयर तो वो अपनी परीक्षा दे पाता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसे। लेकिन ये कंडीशन पैदा होती है जब जब थर्ड ईयर का विद्यार्थी जो है, अंतिम वर्ष का जो विद्यार्थी जो है, वो उस परीक्षा से वंचित हो जाता है, और उसके बाद में इनके लिए क्या विकल्प और आगे होते हैं कि वो परीक्षा इसी वर्ष के अंदर अपना जो है मुख्य परीक्षा देकर और वो पास हो सके, एब्सेंट ना लिखाए। इसके लिए उसे किसी अपने महाविद्यालय के यानी कि किसी क्षेत्र के अंदर जहाँ वो कॉलेज है उसके इर्द गिर्द नज़दीक में पता करना है कि वहाँ कोई परीक्षा जो प्रायोगिक परीक्षा है उस विषय की और उस क्लास की हो चुकी है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो उस विद्यार्थी के पास में एक विकल्प ये रहता है कि वो अपने महाविद्यालय से एक लेटर पैड भी लिखवा लें कि हमारे यहाँ महाविद्यालय का ये रेगुलर या MC का विद्यार्थी है और आपके महाविद्यालय में इसकी प्रायोगिक परीक्षा करवा दी जाए, और अपना जो एडमिट कार्ड है जो विश्वविद्यालय द्वारा साइट पर निकला है उन दोनों को स्टेपल करके जो है उस महाविद्यालय जिसके अंदर वो परीक्षा कराना चाह रहा है अपनी, उस महाविद्यालय का जो सामान्य कोई शुल्क है तो उसे जमा कराकर वो उस परीक्षा के अंदर शामिल हो सकता है। तो उससे क्या है, आपका एक साल बचता है या आपके जो है प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट जो है वो शो नहीं होगी, आप जो है वहाँ पर भी दूसरे महाविद्यालय में जाकर परीक्षा दे सकते हैं। तो ये समय सिर्फ 2-4-10 दिनों का मिलता है, इसके बाद में जो है प्रायोगिक परीक्षाओं की दिनांक खत्म हो जाती है, उसके बाद में जो है ये संभव नहीं हो पाता। तो सिर्फ इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर अगर कुछ विद्यार्थी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अन्य महाविद्यालय में पहुँच कर और उनसे बात करके और अपनी प्रायोगिक परीक्षा कम्प्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।